मेवात के पिरोजपुर झिरका से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पिरोजपुर झिरका क्षेत्र में पीला पंजा चलाया गया है। बुधवार को 27 सितंबर को शहरी एवं नियंत्रण क्षेत्र पिरोजपुर झिरका के अंतर्गत आने वाली राष्ट्रीय संपदा पिरोजपुर झिरका में तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। DTP विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई है। तोड़फोड़ अभियान के दौरान 10 DPC एक निर्माणाधीन घर, लगभग 5 एकड़ क्षेत्रफल वाली 2 अनाधिकृत कॉलोनियों में मिट्टी और WBM सड़क नेटवर्क और एक संरचना को ध्वस्त किया गया है। विनोद कुमार DTP नुहू सह ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऋषिपाल के साथ HSEV की टीम के साथ यह अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए HSEV की प्रमुख टीम मौजूद थी। जिला योजनाकार विभाग का बुलडोजर अवैध निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग पर लगातार चल रहा है। नुहू जिले में आगे भी विभाग की कार्रवाई उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा के निर्देश अनुसार जारी रहेगी। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। कौन सी जगह जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि विभाग की तरफ से जो है निरंतर जो है ये डेमोलिशन की मुहिम चलाई जा रही है और आगे भी कंटिन्यू जो है ये चलाई जाएगी। आज जो है हमने फिरोजपुर झिरका के कंट्रोल एरिया और अर्बन एरिया में एक कार्रवाई करी है, जिसमें एक भीमा रोड पे जो है एक लगभग जो है 2 से 2.5 एकड़ की एक अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, उसको प्रॉपरली हमने नोटिस पहले भी दे रखे थे, आज वो डेमोलिशन करी गई है। एक ऐसे ही राजौली मोड़ पे थी, राजौली गांव की साइड में एक अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, वहाँ जो है हमने लगभग 3 एकड़ में जो है DPC रोड नेटवर्क अंडर कंस्ट्रक्शन जो है एक स्ट्रक्चर को डेमोलिशन किया है। बिल्कुल जी, निरंतर कार्रवाई की जा रही है हमारी तरफ से और मैं आपके माध्यम से ये पब्लिक को, आम जनता को भी एक सूचना देना चाहूँगा कि इस तरह की अवैध कॉलोनियों में कोई भी आप अपना जो है प्लॉट ना खरीदें, क्योंकि विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। जी, देखिए विभाग की तरफ से जो हमारे एक्ट में प्रोविजंस हैं उन सारे एक्ट्स और रूल्स को फॉलो करते हुए उनको नोटिस, दो दो नोटिस दे के ही कार्रवाई की जाती है। इसमें हमने जो है कई कॉलोनियों में FIR भी दर्ज करवाई है और इन अवैध कॉलोनियों में पहले सिग्नेचर्स भी हमने लगाए थे, सूचना पट भी लगाए थे यहाँ पे, ताकि लोग बाग जो है अवेयर हो जाएं कि ये एक अवैध कॉलोनी का हिस्सा है, लेकिन वो एनी हाउ आज की डेट में जो है सब उखाड़ दिए गए हैं। इसमें दोबारा से हम कार्रवाई कर रहे हैं कि लोगों को जो है एक आगाह किया जाए और एक सूचना प्राप्त की जा सके कि ये एक अवैध कॉलोनी है और इसमें कोई भी प्लॉट ना खरीदे।